You are welcome in my YouTube channel, Chemistry by Dr. Pariyar, Apani Sicha online program, and GCI Kanpur. Dear student, under the chapter Alcohol, Phenol, and Ether, 12th grade students, and it is highly applicable for NEET and J, both for J means as well as J Advanced. मैं डिस्कस कर रहा था इस वीडियो में पर्टिकुलरली प्रिपरेशन प्रोसेस ऑफ अल्कोहल और उनमें देखिए सबसे पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्काइल हेलाइट यू नो वेल द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल हेलाइट आर सी एस टू एक्स एलकाइल हेलाइट हेलो हेलो एन में आप पढ़ चुके हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल हेलाइट इट मीनस यहां पर हम ओ एच मीन्स ओ एच निगेटिव को न्यूक्लियोफिलिक रीजन यूज़ करते हुए सब्टीटन रिएक्शन के थ्रू प्राइमरी एल्कोहल भी बनेगा सेकेंडरी एल्कोहल एल्कोहल और इसी के बारे में आपने पढ़ा था में अंडर द रिएशन यिएशन देखिए आपका दिस इज डिग्री एल्कोहल वन डिग्री एल्इल हैलाइड मीन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड

एल्का कार्बन होंगे हाइड्रोजन आइटमेगा के रूप में हमनेटिव OH यूज किया तो यह प्राइमरी एल्कोहल बन गया बाई द फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट एन एक्स जैसे इसका पर्टिकुलर ले लिया हमने एग्जाम्पल क्लोरोन दैट इज देखिए प्राइमरी है वन डिग्री है ये प्राइमरी है, और यहां पर ओ एच कटर सी एल का किससे ओनली द रिजेंट फंक्शनल ग्रुप इज गोइंग टू चेंज रेस्ट रिमेन एज इट इज यहां एक्स था उसकी जगह क्या आ गया ओ एच एंड बाय प्रोडक्ट एन ए सी एल दिस इज योर प्राइमरी एल्कोहल वन डिग्री एल्कोहल मीन्स प्राइमरी एल्कोहल नाउ वी कैन आल्सो फॉर्म ये प्राइमरी का था सेकेंडरी के लिए वी कैन ऑल्सो फॉर्म सेकेंडरी एल्कोहल, फ्रॉम सेकेंडरी एल्काइल इस कार्बन की डिग्री क्या दिख रही है आपको टू डिग्री दिस इज द सेकेंडरी एलकाइल हेलाइट यहां पे हाइलोजन है और इससे भी ओ एच निगेटिव न्यूक्लियो के रूप में जाएगा तो ये बन गया देखिए आपका सेकेंडरी एल्कोहल बाय प्रोडक्ट यानी इसका करंट एग्जाम्पल देख सकते हैं हमने आर की जगह जो एल्काइल थे वो द एल्काइल में भी सेम एज वेल एज डिफरेंट डियर स्टूडेंट जो सेकेंडरी एल्काइल हाइलाइट है इनमें जो एल्काइल्स हैं, वो दोनों सेम हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं यू कैन टेक एनी वन यहां पर कोई भी हाईलाइट ले सकते हैं क्लोराइड

वन टू थ्री अरे भाई इसको स्ट्रेट चेन में बना लीजिए तो सेकेंड कार्बन पे ओ OH एच लगा है सेकेंडरी है ना प्रोपेन टू एल और इसका नेम था टू क्लोरो प्रोपेन ओके बाय द सेम वे वी कैन आल्सो फॉर्म टर्सरी अल्कोहल फ्रॉम टर्सरी अल्काइल हेलाइट डियर स्टूडेंट यू कैन नोटिस हियर दिस इज द द्री डिग्री अल्काइल हेलाइट टर्सरी अल्काइल हेलाइट

सेकेंडरी तो ऊपर बन चुका था ये थ्री डिग्री एल्काइल हेलाइड है और ये थ्री डिग्री एल्कोहल मीन टर्सरी एल्काइल से टर्सरी एल्कोहल आपका देखिए सामने लिखा हुआ है इसका करंट देख लीजिए तीनों एल्काइल की जगह सीएस सी लेते हैं सीएल लिया टर्सरी है। है। है ब्यूटाइल क्लोराइड है और बेटा रिजन फिर वही लेंगे तो दिस इज योर टर्सरी एल्कोहल जिसका कि आयुपीएससी नेम होगा इसका मान लीजिए कॉमन नेम है और हमें इसका आयुपीएससी नेम लिखना हो तो पेरेंट चेन कौन सी बनेगी वन टू थ्री ये एक पेरेंट चेन बन जाएगी ये और इसमें है तो इसका आयुपीए नाम लिखना चाहे तो टू मेथाइल सेकेंड कार्बन पे लगा है दो साइड चेन है वन कार्बन टू थ्री एक साइड चेंज सी एच थ्री और एक ओ एच है तो टू मेथाइल और प्रोपेन प्रोपेन टू और ये जो मैंने इससे लिखा है इस कलर से ये इसका लोकेंट है और थ्री जो लिखा है वो तो उसकी डिग्री थी तो इसका पैक भी नेम लिख सकते हैं इसका भी पैक नेम लिख सकते हैं इसका पैक नाम देख सकते हैं वन टू और ये कार्बन क्या आ जाएगा ये देखो एक पेरेंट चेन बन गई ये दिस इज पेरेंट चेन सेकेंड पर कार्बन पे दो साइड चेन लगी है क्लोरो भी और मिथाइल भी है क्लोरो पहले आएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा टू क्लोरो टू मिथाइल और क्या हो जाएगा सिंपल नेम पैरेंट नेम प्रोपेन टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन

ठीक उसी तरह से अब अल्कोहल में ओ एच निगेटिव को ही हमने रीजेंट के रूप में यूज किया है और चूंकि ओ एच इलेक्ट्रॉन रिच है दैट्स व्हाई इट्स नेम विल बी न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट अब इसमें तीनों के साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्काइल हैलाइड विद रिस्पेक्ट ऑफ ओ एच निगेटिव यह हेलो एल्केन में आप पढ़ चुके हैं और इसी में हम उसी चीज को सेकेंड वर्ड में यूज करें कि व्हाट इज द रेट ऑफ द वट इज द ऑर्डर ऑफ द परमिशन ऑफ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ परमिशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल फ्रॉम रिलेटेड एल्काइल हैलाइड बाय यूजिंग ओ एच निगेटिव एज ए न्यूक्लियोफिलिक रीजन मींस प्राइमरी एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल की रेट ऑफ फॉर्मेशन का ऑर्डर क्या होगा जबकि हमने रीजेंट के रूम में ओएच को लिया है जो कि बेटा न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट है ओके? तो आप देख सकते हैं प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे पुअर होती है क्योंकि उसमें सिंगल इंडक्टिव इफेक्ट होता है सेकेंडरी की उससे ज्यादा होती है उसके डबल पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है और टर्सरी एल्काइल एलाइट की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उसमें थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है जो आपने फॉर्मेशन किया है अल्टीमेटली डियर स्टूडेंट प्राइमरी एल्काइल एलाइट चूंकि रिएक्टिविटी सबसे कम थी तो प्राइमरी एल्कोहल के रेट ऑफ फॉर्मेशन सबसे स्लो होगी सेकेंडरी अल्काइल हेलाइट की रिएक्टिविटी प्राइमरी अल्काइल हेलाइट से ज्यादा थी अतः सेकेंडरी अल्काइल हेलाइट से सेकेंडरी अल्कोहल बनने की जो रेट होगी वो प्राइमरी अल्कोहल से कहीं ज्यादा होगी और सिंस टर्सरी अल्काइल हेलाइट आपने अभी देखा टर्सरी अल्काइल हेलाइट उसमें थ्री अल्काइल्स है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो टर्सरी एल्काइल हेलाइट की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी अल्टीमेटली टर्सरी एल्काइल हेलाइट से टर्सरी एल्कोहल बनाने की रेट ऑफ फॉर्मेशन भी सबसे हाई होगी दिस ऑर्डर इज गिवेन इन फ्रंट ऑफ यू यू कैन नोटिस ओके और इसी सीक्वेंस में इसी सीक्वेंस में यदि आपके क्रॉस क्वेश्चन कर लिया जाए क्रॉस क्वेश्चन एक और बनता है प्राइमरी एल्काइल हेल बनाना चाहे या सेकेंडरी बनाना चाहे या टर्सरी बनाना चाहे तो एक और सीक्वेंस होता है और यू नो रख क्या 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 बनता है क्रॉस क्वेश्चन से आप सभी में प्राइमरी लेते हैं ये आपके सामने देखिए मैं लिखे दे रहा हूं नजर आएगा प्राइमरी एल्काइल अब इसमें यदि हम यहां क्लोराइड ले लेते हैं आर सी एच टू ये लिया आर सी एच टू ब्रोमाइड ले लिया आर सी एच टू आयोडाइड ले लिया डियर स्टूडेंट स्टूडेंट सभी में वन डिग्री है वन डिग्री मतलब तीनों क्या है ये तीनों के तीनों डियर स्टूडेंट प्राइमरी एल्काइल एलाइड है चाहे तीनों क्या ले लेते सेकेंडरी एल्काइल एलाइड तो एल्काइल इनमें सेम है वन वन पॉजिटिव आई इफेक्ट है सबसे ऊपर देखिए लेकिन इसमें ये देखिए ये चेंज है सी और एच के बीच जो बॉन्ड बन रहा है इसमें सी और एच के बीच किसके है सी और सी एल के बीच बॉन्ड है और इसमें सी और इसमें बेटा सी और किसके बीच है बी आर के बीच बॉन्ड है और इसमें सी और आई के बीच बॉन्ड है और इनमें पूछा जाए कि न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियो के साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी तो एक ये ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखिए मतलब समझ रहे होंगे कि इनमें जो एल्काइल था उनमें अलग अलग लिया एक बॉन्ड में सी और सीएल के बीच था एक बॉन्ड में सी और बी आर है और एक बॉन्ड में सी और आई है बाकी उसमें वही लगेगा CH2, टू सी एच टू और आर लगाए एच टू और आर लगाए एच टू और आर समय आर सी एच टू सी एल तो मेन बेटा आपको फोकस करना है सी और Cl के बीच बॉन्ड सी और Cl के बीच बॉन्ड सी और बी आर के बीच बॉन्ड सी और, बी और आई के बीच बॉन्ड डियर स्टूडेंट ने देखिए साइड में लिखा है प्राइमरी में 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 के तीनों एग्जाम्पल लिए एक में कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन के साथ सीएल का बॉन्ड बना दिया एक में कार्बन साथ बिहार का बॉन्ड बना दिया एक में कार्बन साथ, का का साथ आई का बॉन्ड बना दिया और अब आपसे पूछा जाए इनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी तो डियर स्टूडेंट ये सेवनटीन ग्रुप के एलिमेंट होते हैं हाइलोजन आर द एलिमेंट ऑफ सेवनटीन ग्रुप फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड फ्लोराइड की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है तो वो जिससे बॉन्ड बना लेता है वो बॉन्ड फिर इजिली ब्रेक नहीं होता बेटा ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि हाइलोजन है क्या बनाएंगे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को बॉन्ड बनाता है जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसके द्वारा बनाए गए कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होगी बट बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी यानी बॉन्ड उनके बीच की बॉन्डेड लेंथ जो है ना वो कम होगी लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा होगा स्ट्रॉ बॉन्ड होगा बिजली ब्रेक नहीं होगा अब जरा ध्यान से देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से बिहार की और कम होती है बिहार से अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम किसकी होती है की। यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पर घटती है क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं इट मीन सीएल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा थी से कम सीएल की है सीएल से कम बिहार की है और बिहार से कम आई की इट सी और सी और बी आर के बीच बॉन्ड ऊपर वाले से वीक है सी और बी आर के बीच जो बॉन्ड है वो सी और सीएल के बीच बने बॉन्ड से वीक होगा क्योंकि सीएल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा थी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक होगी और बी आर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीएल से कम है तो ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ ऊपर वाले से कम होगी तो ब्रेक करने में कम एनर्जी लगानी पड़ेगी और ये जो सी और आई है आई देखिए बहुत नीचे आ गया इसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो गई तो इसके द्वारा बनाया गया जो कोवेलन बॉन्ड है और वीक होगा ये सबसे ब्रेक होगा इट मीन आपको ध्यान रखना चाहिए जब सब में डिफरेंट डिफरेंट एलोजन लगे हों और आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी तो डियर स्टूडेंट आप बताएंगे कि जो हेलोजन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसके द्वारा बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा तो रिएक्टिविटी उसकी कम होगी तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी हो और ज्यादा इसकी होगी, हो इस, इस हो है अतः भी स्ट्रॉन्ग होगा अल्टीमेटली इसकी रिएक्टिविटी कम होगी बिहार की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीएल से कम है तो ये जो सीओ बिहार के बीच बॉन्ड है ये वीक होगा इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी इसकी कंपेरिजन में इजिली ब्रेक हो जाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी ऊपर वाले से ज्यादा होगी और सी और आई के बीच जो बॉन्ड बना है I की इन इन दोनों दोनों से से कम है अतः इसके बीच बना बॉन्ड वीक होगा और इजली ब्रेक हो जाएगा तो स्टूडेंट ने देखा लिथियम एल्मोनियम हाइड्राइड एक बेस्ट रिड्यूसिंग एंजेंट के रूप में लेकर तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है और ये कैसे बना इसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है आपको मालूम होना चाहिए डियर स्टूडेंट में कौन सा ग्रुप होता है कार्बोनिल ये कार्बोनिल ग्रुप है इतना दिस इज ये देखिए बड़े ध्यान से एल में है दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड हो और इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कार्बोनिल का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक बॉन्ड कार्बन का कम होगा और एक बॉन्ड ऑक्सीजन का कम होगा कार्बोनिल सी डबल बॉन्डो कार्बोनिल होता है ना वो एल्डिहाइड ना कीटोन कार्बोनिल के दोनों बॉन्ड में यदि एल्काइल है तो कीटोन होगा और कार्बोनिल के एक बॉन्ड में एच और एक में एलकाइल है तो एल्डिहाइड होगा ये सब बाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक बॉन्ड कार्बन का कम हुआ एक बॉन्ड ऑक्सीजन का तो ये टू एच है ये नेसेंट हाइड्रोजन कहलाते हैं रिडक्शन में यूज होते हैं एक एच सी से जुड़ा तो सी एच टू हो गया और एक एच ओ से जुड़ा ओ एच हो गया डियर स्टूडेंट ये फॉर्मेशन एल से किसका हुआ दिस इज नॉन एज प्राइमरी एल्कोहल जैसे ये इथेनल से फॉर्मेशन हो गया इथेनॉल एंड डियर स्टूडेंट लिथियम एल्यूमोनियम हाइड्राइड इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट उम्मीद है सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा एनालिसिस करते रहिए rest part I will discuss in next video. Thank you. Have a nice day.